नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीके टी क्लब में तो फ्रेंड्स मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी जो इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर थी ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये बारह जीरो बारह का और पांच एम्पियर का लेकिन इसको मैंने अपग्रेड किया था यानी पांच एम्पियर से दस एम्पियर कैसे बनाए इसके तो इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा वहां पर क्लिक करके देख सकते हो या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो फ्रेंड्स क्या था कि उसमें मैंने आपको अपग्रेड करके दिखाया था और तभी आपको बताया था कि मैं इससे आपको एक ट्रांसफॉर्मर से बहुत ही कमाल का एक बैटरी चार्जर बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इजीली बनेगा बिना डायोड के जिससे आप अपनी जो कार की यूपीएस की या अपने बाइक की कोई भी बैटरी हो बड़ी से बड़ी बहुत ही इजीली आसान तरीके से चार्ज कर सकते हो और बिना डायोड के बना के दिखाऊंगा क्योंकि डायोड से जो हमें एक बहुत बड़ा ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता है उसके काफ़ी अलग तरीके से कनेक्शन होते हैं जिसमें काफ़ी लोग गड़बड़ कर गड़ गड़ देते हैं तो उन सभी को हटा के बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैं आपको एक बैटरी चार्जर बना के दिखाऊंगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना चैनल न्यूज प्लीज सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा देना चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऐसे फिट करने के लिए ट्रांसफार्मर को मैं यूज़ कर रहा हूँ एक लकड़ी का गुटका ये प्लाईवुड का है और इस पर जो है मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे फिक्स करूँगा बिल्कुल बीचा बीच में जिससे कि अच्छा दिखे और फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिप्सन पेच जो ब्लैक स्क्रू होते हैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक, -एक ब्लैक स्क्रू दोनों साइड से कस देता हूँ इन ब्लैक स्क्रू को मैं इसलिए कस रहा हूँ क्योंकि इन्हें कसने के लिए ना तो किसी होल की जरूरत होती है और ना ही किसी नट की ये बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर से लकड़ी में कस जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मर है फिट हो गया अब देखिए ये जो रेड वायर है ये इनपुट के हो गए और यहाँ से स्टेप डाउन हो और ब्लैक वायर से आउटपुट निकलेंगे बारह वोल्टेज यानी बारह वोल्टेज तो जो बारह वोल्टेज होंगे वो ए के होंगे उन्हें डी में बदलने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी ब्रिज रेक्टी की तो फ्रेंड्स एक तो रेक्टिफायर डायोड के होते हैं और एक ये बने आते हैं जो कि आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएंगे काफ़ी टाइप्स के हैं आप देख सकते हो इनका काम सही का सेम ही होता है जो एसी से डीसी बनाना तो फ्रेंड्स जो आप इस तरीके का देख रहे हो इसकी जो बीच वाली लेग होती हैं ये होती हैं ए की इसमें भी आप देख लो ये जो बीच वाली लेग है ये ए की हैं और साइड वाली प्लस और माइनस की यहाँ पर आपको लिखा भी दिख जाएगा प्लस और माइनस तो जैसे ये है यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो यहाँ पे आपको कैसे पहचान करनी है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है तो फ्रेंड्स जो इसका कोना कटा दिखे आपको ये जैसे कटा हुआ है वो प्लस हो गई और उसकी बिल्कुल बाहर वाली साइड की माइनस है और बीच वाली दोनों ए हो गई आप इसमें भी देख लो सेम यही फंडा है बीच वाली दोनों ए होती हैं और बाहर बाहर वाली आउटपुट यानी डी की होती हैं तो बाहर की साइड ही आपको कटा दिखेगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से पहचान कर सकते हो मैंने ईजिली बता दी एक इस टाइप का भी आता है ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर है तो आप देखो इसकी चारों साइड ओके okay, बिल्कुल एक सी है लेकिन एक साइड थोड़ी कटी हुई है गुलाई में यहाँ पे तो ये हो गया पॉजिटिव ये गुलाई वाला और बिल्कुल इसके ठीक सामने ये हो गया नेगेटिव आप देखो ये पॉजिटिव तो ये हो गया नेगेटिव और ये ये दो साइड की बची हैं ये वाली दो ये हो गई ए की और ए में कोई प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि उसका नाम ही होता है ऑल्टरनेटेड करंट तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पैंतीस एम्पियर के ब्रिज रेक्टिफायर हैं जो कि मेरे को काफ़ी चीप मिल गए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस है तो इसके बिल्कुल ठीक सामने वाला ये माइनस हो गया और ये जो बचे दो हैं ये ए के हो गए तो कुछ इस तरीके से इनकी आप पहचान कर सकते हो बहुत ही ईजीली और मैं आपको दूसरी भी ट्रिक बता दूँ कि देखिए यहाँ पर जो ये तीनों लेग हैं ये एक सी बिल्कुल लेकिन जो एक है वो थोड़ी डिफरेंट है देखिए ये तीनों एक ये ये और ये ये तीनों ई के एक के टाइप में मुड़ी हुई है एक साइड की और ये देखिए ये वर्टिकल लगी हुई है जबकि ये ऑरिजेंटल है इस तरीके से ये टेढ़ी लगी हुई है तो जो आपको डिफरेंट दिखे वो प्लस हो गई और बिल्कुल उसके ठीक सामने वाली माइनस हो गई और बची दो ए सी की हो गई तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी पहचान बता दी देखिए ये ए सी की और डी सी की बिल्कुल अच्छी तरीके से तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो अपने ए सी वाले वायर हैं वो यहाँ पे लगाने हैं इस तरीके से जैसे आप मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन उसे यहाँ पे सोल्डिंग करने से पहले मैं इसे फिट कर दूँगा लकड़ी पे जैसे कि सोल्डिंग के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं यहाँ पे वायर लगा लेता हूँ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो यहाँ पे मैंने एसी के लगा लिए और ये दूसरा वायर है जो एसी का बचा हुआ है मैं इसे भी लगा देता हूँ अब फ्रेंड्स जो है अब इससे हम जो है आउटपुट लेंगे तो आउटपुट की साइड ही हमको क्या करना है एक इंडिकेशन एल लगानी है तो मैं यहाँ पर जी आठ जी का यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए वन किलोम की रजिस्टेंस आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो तो मैं इस जो एल की पॉजिटिव लेग होती है जो बड़ी वाली लेग होती है आप देख सकते हो एक बड़ी है एक छोटी तो ये पॉजिटिव होती है बड़ी वाली लेग तो मैं पॉजिटिव लेग के साथ एल को कनेक्ट करूँगा तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव को कट कर दिया है और यहाँ पर मैं जो है इस रजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव लेग के साथ तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लैक के साथ इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ ये बनक्लोम की रेजिस्टेंस है जो कि मैंने पॉजिटिव की साइड लगाई है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और मैं इसे पॉजिटिव के साथ यहाँ पे फिट कर दूंगा यानी ब्रिज एक्टिव के पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे फिट करने के बाद अब इस पर सोल्डिंग कर दूंगा जिससे कि ये हिले नहीं लूज न रहे आप भी अच्छी तरीके से सोल्डिंग कीजिए अब यहाँ पर आप देख लो ये बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो चुकी है अब यहाँ पर जो मैं यूज़ में ले रहा हूँ हैवी कॉपर के वायर क्योंकि इससे जो करंट आएगा वो होगा दस एमपियर का तो इसीलिए आपको हैवी यूज़ करने तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव के साथ ये रेड और नेगेटिव के साथ ये ब्राउन जो ग्रे कलर का है सॉरी ये ग्रे कलर का है ये फिट कर दिया मैंने और ये हैवी है। अब ये वायर ना टूटे या इनका जो है ना छूटे तो मैं यहाँ पे जो जिप्सन पेज से एक इसमें एक नोट लगा के और ऊपर से इसे जिप्सन पेज को वॉरसल के साथ कस दूँगा जिसे ये हिलेगा नहीं अपना जो वायर और ना ही ये खुलेगा कभी तो मैं यहाँ पर इसे भी बढ़िया तरीके से कस देता हूँ स्क्रू ड्राइवर से ये ईजिली कस जाएगा कोई होल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें बैटरी से कनेक्ट करने के लिए जरूरत होगी इस तरीके के क्रोकोडाइल क्लिप की ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे अगर ये ना मिलें तो आप बड़ी वाली भी चिमटी लगा सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने यहाँ फिट कर ली अब मैं रेड के साथ इस पिंक को और ग्रे के साथ अपनी नेगेटिव को फिट कर दूंगा अगर फ्रेंड्स आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो मेरी यूज़र आई जो है डी क्लब के नेम से है आप वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो भी कर सकते हो या आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हो मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ ओके फ्रेंड्स तो ये कनेक्ट हो गई क्लिप अब दूसरी साइड जो है ए सी की साइड एक प्लग भी लगाना होगा जिससे कि हम इजीली अपने बोर्ड के साथ फिट कर सकें और ये हीट सिंह ट्यूब तो यहाँ पे जो हमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं इन हीट सिंह को फिट कर दूँगा और अपने वायरस के साथ कनेक्ट कर दूँगा डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है स्विच वगैरह भी लगा सकते हो तो मैं अब इस हीट सिंक को चढ़ा दूंगा और इस तरीके से ही मैं दूसरी को भी कनेक्ट कर लूँगा और दूसरी साइड की भी हीट सिंक को चढ़ा दूंगा यहाँ पर तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है चढ़ जा भाई अरे यार क्यों भी इज्जती करा रही है कैमरे के आगे हाँ तो ये चढ़ गई खैर इज्जती तो मेरी हुई कैमरे के सामने कोई नहीं अब मैं इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा गर्म करके यहाँ पे लाइटर से गर्म कर देता हूँ इसे तो अब ये एकदम अच्छी तरीके से चिपक गई इस पर गर्म होने के बाद लेटर से अब यहाँ पे हमें टेप वेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी टेस्टिंग की ओर चलते हैं तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्ट इसे 220 सौ बीस वोल्टेज ए से चलाना है तो यहाँ पे मैं 220 सौ वोल्टेज में से प्लग इन कर देता हूँ और जो अपनी लाइट है वो जल रही है आप देख लो और यहाँ पर जो करंट आने लग गया यानी इससे स्पार्क निकल रहा है स्पार्क थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर हमने कैपेसिटर यूज़ नहीं किया आपको कैपेसिटर भी यूज कर लेना है अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सबसे पहले मैं इसकी आपको वोल्टेज दिखा दूँ तो ये देखिए मल्टीमीटर पर एकदम फिक्स वोल्टेज आ रही है इतनी ही वोल्टेज होनी चाहिए क्योंकि लोड के साथ फिर ये ड्रॉप हो जाएंगी तो एकदम अच्छी वोल्टेज आ रही है तेरह पॉइंट पाँच अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप स्पार्क देख लो बिना कैपेसिटर के भी ये काफ़ी तेज़ स्पार्क दे रहा है अब फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक सेवन सेवन फाइव मोटर भी टेस्ट करके दिखा दूँ क्योंकि हम इसे पावर सप्लाई के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए जैसे ही सेवन सेवन फाइव मोटर से लगाया ये बहुत ही स्पीड में मोटर रन कर गई बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख लो और ये हाथ से रुक भी नहीं रही तो बहुत बढ़िया इससे जो एम्पियर के साथ हमें बारह वोल्टेज मिल रहे हैं अब फ्रेंड्स आप इस तरीके से कनेक्ट करके इससे कोई भी यू की या बैक की या कार की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये हंड्रेड वर्क work करेगा वर्केबल है और बहुत ही ईजीली ये बन जाएगा बहुत ही कम खर्चे में तो यहाँ पर आप इसे भी चार्ज कर सकते हो अब फ्रेंड्स इसकी मैं आपको रियल पावर दिखा दूं कि इसके अंदर पावर कितनी है तो यहाँ पे जो मैं एक नेडिल ले रहा हूँ और इस नेडिल का देखना ये क्या हाल बना देगा ओके okay, तो मैंने यहाँ पर ली और दोनों साइड लगाऊंगा तो ये एकदम खत्म कर देगा इसे जला कर देख सकते हो आप कैसा इसने मेल्ट कर दी इसको तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में तब तक ले जय हिंद बंदे मातरम जय श्री राम